इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद सभी को शिखर धवन की याद आने लगी है। जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने हमारा टॉप ऑर्डर बिखर गया वो बेहद शर्मनाक था। ऐसा लगा जैसे इंडिया के बैट्समैन डर डर के खेल रहे थे, और इसकी मेन वजह थी शाहीन शाह आफरीदी की बॉलिंग। पाकिस्तान के टॉप बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने कुल 4 विकेट लिए, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट प्रमुख था। लेकिन सुमन गिल की बैटिंग देखने के बाद सभी क्रिकेट फैंस को शिखर धवन की याद आने लगी है। अगर शिखर धवन के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एशिया कप 2014 में उन्होंने 4 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 192 रन बनाए थे। उनका एवरेज 42 का था। एशिया कप 2018 की बात करें तो उन्होंने 5 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 342 रन बनाए थे। उनका एवरेज लगभग 68 का था, जिसमें 2 सेंचुरीज भी शामिल थीं। वहीं अगर वर्ल्ड कप 2019 की बात करें तो उन्होंने 2 मैच खेले थे, 1 सेंचुरी के साथ 125 रन बनाए थे। उनका एवरेज लगभग 63 का था। तो उनके नंबर्स भी इस बात की गवाही देते हैं कि वो टॉप ऑर्डर के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो जरूरी मैचों में एक अहम इनिंग खेलते हैं। फिर BCCI उन्हें टीम में शामिल क्यों नहीं कर रही? इसका जवाब तो बस टीम सेलेक्टर्स ही दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन को एशिया कप की टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।